है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जज जो है वो कह दे गिरफ्तार करो तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो जाए रातों रात। एक ही पक्ष है इस तरफ जहां दिल्ली हाई कोर्ट कह सकती है कि भाई इन लोगों पर अभी एफआईआर दर्ज मत करो, अभी समय ठीक नहीं है। बाकी तमाम लोगों पर एफआईआर हो रहे हैं, बिल्कुल मासूम लोगों पर एफआईआर हो रहे हैं, उन पर राजद्रोह के और अटेम्प्ट मर्डर के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आप जब बूढ़ी महिलाओं से पूछते हैं कि कहां जन्मी थी, किस समय जन्मी थी, मेरी सास से मैं पूछती हूं, कहती है कि मुझे पता नहीं, मुझे इतना मालूम है कि मेरी माँ ने बताया था कि जब बहुत बड़ा अकाल पड़ा था तब तुम्हारा जन्म हुआ था, ये याद रखती है वो। कहां से वो जो उस अकाल के कागजात कहां से लाएगी, वो कहां से साबित कर पाएगी। इसीलिए महिलाएं छुट्टी खूब लड़ी जनानी, वो तो शाहीन बाग की दादियां हैं, खूब लड़ी जनानी, वो तो जामिया की लड़कियां हैं, खूब लड़ी जनानी, वो तो जेएनयू की लड़कियां हैं, खूब लड़ी जनानी, वो तो एएमयू की लड़कियां हैं, खूब लड़ी जनानी, वो तो भारत की नारियां हैं। पर उतारने के लिए ऐलान किया और तमाम दिल्ली पुलिस की कोशिशों के बावजूद आप लोग सफलता से इन्हें उतारे भी, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपके बीच में जो बात कहना चाहती हूँ बहुत संक्षिप्त में, मुख्यतः एक ही बात कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अन्य तमाम बातों को लोगों ने रखा है विस्तार से, और इसीलिए आपने जो यहाँ शांति, न्याय और लोकतंत्र के लिए मार्च रखा है ना, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शांति के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि आप में से कुछ लोग इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये और लोगों को भी समझाने की जरूरत है। मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ जो मीडिया में भी अच्छे लोग हैं, लिबरल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं मानती हूँ कि बेहतरीन अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे लोग हैं। हमारे समाज में भी ढेर सारे बहुत अच्छे लोग हैं जो आज अपने आप से पूछ रहे हैं और सोच रहे हैं कि अच्छा इसको दिल्ली में जो हुआ है हाल के दिनों में, इसको क्या जनसंहार कहा जाए कि ना कहा जाए। इसे जनसंहार मत कहिए, यानी इसको जेनोसाइड या पोग्राम मत कहिए। वो कह रहे हैं कि ये एक तरफा हिंसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हाँ कुछ कुछ जगहों पे कुछ मुसलमान लोगों ने कुछ हिंदुओं पर भी हमले किए और हिंदू भी इसमें मारे गए, और इसीलिए इसमें मुस्लिम विरोधी कोई इसमें प्रायोजित हिंसा है, ये कहना जो है कहीं ना कहीं गलत है। ये बात कई लोग कह रहे हैं। मैं इसी पे दो शब्द आपके बीच में कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग युवा हैं और इस बारे में अच्छे से समझ करके और लोगों को समझाने का काम शायद बेहतर कर सकते हैं। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि देखिए ये जो हिंसा हुई है उसमें मुस्लिम भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, और इसमें एक एक खून का जो बूंद है, एक एक खून का बूंद, चाहे वो किसी का भी खून हो, किस धर्म के किसका खून है मत पूछिए, जिसका भी खून है वो उस खून से अमित शाह के हाथ रंगे हुए हैं, उस खून से दिल्ली पुलिस के हाथ रंगे हुए हैं, उस खून से नरेंद्र मोदी के हाथ रंगे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जिस दिन एनपीआर एनआरसी सीए को कानून बनाया और उसको लागू करने का ऐलान किया, और तमाम विरोध के बावजूद उसे जबरदस्ती उसके पक्ष में उनके नेता जो भाषा बोले, उसी का नतीजा है कि यहाँ पर ये कत्लेआम हुआ है। लेकिन अभी मैं एक बात जो जोड़ना चाहती हूँ, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि देखिए कुछ लोग कह रहे हैं दो पक्ष हैं, दंगा है, दो पक्ष हैं। मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि हाँ इसमें मुस्लिम भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, लेकिन मैं हिंदू और मुसलमान को इसमें दो पक्ष नहीं मानूंगी। मैं मानूंगी कि एक तरफ मासूम है जो मरे हैं, जो जिनका कत्लेआम हुआ है, जो काटे गए हैं, मारे गए हैं, और दूसरी तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्य है जिसके पास में पुलिस है, जिसने उस पुलिस को उतार करके उस कत्लेआम को करवाने में पूरा लगी, और कत्लेआम करवाने वालों को, उनको नेतृत्व देने वालों को बचाने का काम उस पुलिस ने किया। एक और बात यह है कि अगर आपको किसी को भी लगता हो, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई आपसे पूछे कि अरे यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये एंटी मुस्लिम प्रोग्राम है, तो ये तो मुस्लिम और हिंदू दो
पक्ष की बात है, उनको कहिए प्यार से, उनको समझाइए कि अगर आपको कहीं लगता भी हो कि दो पक्ष हैं, तो इस बात को कम से कम पहचानिए कि एक ही पक्ष के साथ में, और वो कपिल मिश्रा वाले पक्ष के साथ में, भाजपा वाले पक्ष के साथ में, आरएसएस वाले पक्ष के साथ में दिल्ली पुलिस खड़ी थी। दिल्ली पुलिस ने जो हिंदू मासूम थे जो मारे गए और उनका खून भी उतना ही जघन्य है, लेकिन हिंदू मासूमों को दिल्ली पुलिस ने पेट में लात नहीं मारा, उनसे जनगण मन गाने को नहीं कहा जब वो मर रहे थे। इस बात को याद रखिए कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे किसे बचाने के लिए तोड़े, वो कपिल मिश्रा के अनुयायियों को, आरएसएस बीजेपी के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने सीसीटीवी के कैमरे तोड़े, उन्होंने। और इस बात को ये भी ध्यान रखिए कि जब मीडिया आपको कुछ बताती है, मीडिया आज बता रही है कि उमर खालिद ये सब कुछ करवाए, कल तक बता रही थी कि ताहिर हुसैन ने ये सब कुछ करवाया, और यहाँ मेरे दिमाग में जो बात आता है कि अगर मेरे घर पर या आपके घर पर कोई भीड़, दंगाई भीड़ उसे चारों तरफ से घेर ले और हमें जिंदा जलाने का और हमें काट के खत्म कर देने की धमकी दे, हमको, हमारे परिवार को, हमारे तमाम समुदाय के लोगों को जो मेरे घर में शरण लिए हैं, तो मैं क्या करूंगी? आप क्या करेंगे अपने आप से पूछिए। ताहिर हुसैन के बारे में कोई एक शब्द भी कहने से पहले सोच लीजिए कि गुजरात में एहसान जाफरी के साथ क्या हुआ था। एहसान जाफरी जिन्हें घेर करके इसी तरह से, और एहसान जाफरी ने जो अपनी जान बचाने के लिए सबको फोन किया, नरेंद्र मोदी को फोन किया, सोनिया गांधी को फोन किया, सबको फोन किया, कोई बचाने जब नहीं आया, सरकार मोदी की थी, नहीं आए बचाने कोई, तब उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और एक गोली चलाने की कोशिश की हवा में ताकि लोग डर के भाग जाए। ऐसा नहीं हुआ, उनको काट काट के टुकड़े करके उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस में और कोर्ट में यह दर्ज हुआ, कोर्ट में यह सवाल हुआ एहसान जाफरी के बारे में कि उन्होंने गोली क्यों चलाई, यह सवाल हुआ। तो इसलिए मैं यहां कहना चाहती हूं आप लोगों से कि देखिए, ये जो पूरा माहौल है, इसमें शांति तभी आ सकती है जब न्याय आए। ऐसे ही नहीं है कि यहां पीस, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी लिखा है आप लोगों ने। आप लोग समझते हैं इस बात को कि शांति तभी हो सकती है जब न्याय हो। न्याय होने का मतलब है कि राज्य जिस तरफ खड़ी है, सरकार जिस तरफ खड़ी है, पुलिस जिस तरफ खड़ी है, सत्ता जिस तरफ खड़ी है, उससे सवाल करना, उससे सवाल मांगना, उसे कटघरे में खड़ा करना, उसे सजा दिलाना, ये न्याय है। जब तक ये न्याय नहीं होता, तब तक जो है आप शांति की बातें नहीं कर सकते। इसमें एक ही पक्ष है जिसके पास में इतनी ताकत है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जज जो है वो कह दे गिरफ्तार करो तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर हो जाए रातों रात। एक ही पक्ष है इस तरफ जहां दिल्ली हाईकोर्ट कह सकती है कि भाई इन लोगों पर अभी एफआईआर दर्ज मत करो, अभी समय ठीक नहीं है। बाकी तमाम लोगों पर एफआईआर हो रहे हैं, बिल्कुल मासूम लोगों पर एफआईआर हो रहे हैं, उन पर राजद्रोह के और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एक और बात मैं यहाँ पे कहूं कि आपके मंच से मैं यहाँ पे याद करना चाहती हूँ उन तमाम महिलाओं को जो देश भर के शाहीन बागों में लड़ रहे हैं। कल वो कैसा लड़ना पसंद करेंगी, उन्हीं शाहीन बागों में या शाहीन बागों को पूरे देश में किसी तरह ले जाना चाहेंगी, दूसरा कोई रूप चाहेंगी, वो उनकी डिसीजन है, वो करेंगे तो हम वो जो करेंगे उनके साथ हैं। लेकिन इस महान लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि वो लड़ सिर्फ अपने लिए नहीं रही है, वो हम सबके लिए लड़ रही है। आपको यहां कन्नन गोपीनाथन ने समझाया कि एनपीआर, एनआरसी, सीए ये मुस्लिम विरोधी तो है ही, लेकिन ये देश विरोधी और गरीब विरोधी है। देश के हर गरीब को समझना होगा कि आज अगर आप, मैं जानती हूं यहां कई मजदूर हैं, आप जब यूनियन बनाते हैं तो मालिक कहता है कि तुमको फैक्ट्री की नौकरी से मैं निकाल दूंगा, कहते हैं कि नहीं कहते? ढेर सारे मजदूर साथी हैं यहां जो आए हैं, खास करके पूर्वी दिल्ली से आए हैं, पश्चिमी दिल्ली से आए हैं और जगह से आए हैं। कल
रोको, अगर एनपीआर एनआरसीसीए लागू हो गया तो उसके बाद में जब आप सरकार से सवाल करेंगे, कहेंगे कि यूनियन बना रहा हूं, यूनियन बना रही हूं, मालिक जो है मुझे अपना पैसा नहीं देता पूरा, तो कहेंगे कि अच्छा नौकरी से ही नहीं देश से बाहर कर देंगे तुमको। एनपीआर के तहत तहसीलदार आपका नाम वोटर लिस्ट से और देश के नागरिकों की लिस्ट से काट देगा, हटा देगा, आपसे कहेगा कि कागज ले आओ। कागज कौन नहीं ला पाता है? असम में जितने लोग 19 लाख लोग छूटे हैं एनआरसी के लिस्ट से, जानते हैं उनमें से 70% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि आप जब बूढ़ी महिलाओं से पूछते हैं कि कहां जन्मी थी, किस समय जन्मी थी, मेरी सास से मैं पूछती हूं, कहती है कि मुझे पता नहीं, मुझे इतना मालूम है कि मेरी माँ ने बताया था कि जब बहुत बड़ा अकाल पड़ा था तब तुम्हारा जन्म हुआ था, ये याद रखती है वो। कहां से वो जो उस अकाल के कागजात कहां से लाएगी, वो कहां से साबित कर पाएगी? इसीलिए महिलाएं छुट्टी हैं। और इसलिए मैं बस अंत में अपनी आवाज आपको उठाने के लिए कहूंगी, एक नारे के साथ में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मेरे साथ लगाइए। मैं जब छोटी थी तो सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता सारे लोग सुनते सुनाते थे, हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता था। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज सुप्रीम कोर्ट और तमाम लोगों से कहना होगा कि भाई आप लोग पूछ रहे हैं शाहीन बाग पे महिलाएं जो है बच्चे को उठा करके क्यों ला रही हैं, लक्ष्मी बाई गई थी कि नहीं गई थी? आप लक्ष्मी बाई से भी कहते कि बच्चे को पीठ पर बांध करके क्यों लाए, को घर पे छोड़ो। लेकिन उस कविता में एक चीज मुझे हमेशा अखरती थी कि ये खूब लड़ी मर्दानी क्यों कहा है? साहसी होना और मर्दाना होना एक ही चीज नहीं होते हैं, और इसलिए आज इसको बदल दिया जाए। आप मेरे साथ में लगाइए कि खूब लड़ी जनानी वो तो शाहीन बाग की नानियां हैं, खूब लड़ी जनानी वो तो शाहीन बाग की दादियां हैं, खूब लड़ी जनानी वो तो जामिया की लड़कियां हैं, खूब लड़ी जनानी वो तो जेएनयू की लड़कियां हैं, खूब लड़ी जनानी वो तो एएमयू की लड़कियां हैं, खूब लड़ी जनानी वो तो भारत की नारियां हैं। और इसीलिए ऐसे जनाना होना, ऐसे साहसी होकर के लड़ना, क्योंकि साहसी होना किसी पर बंदूक चलाना नहीं होता है, साहसी होना सच के साथ खड़ा होना होता है। जैसे कि वो प्रेमकांत बघेल खड़ा हुए, अपने जान का खतरा न देख करके सच के साथ खड़ा होना, इंसानियत के साथ खड़ा होना, ये साहसी होना है, ये जनानी होना है। और इसलिए इस काम को हम सारे लोग करेंगे, इस देश को, इस संविधान को जरूर बचाएंगे, और दिल्ली में जो हुआ है उसके लिए हम न्याय लेके रहेंगे। 1984 का न्याय 30 वर्ष बाद आया, छोटा मोटा न्याय, ऐसा न्याय नहीं, हमको वो न्याय चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, और उस न्याय के लिए हम वर्षों इंतजार नहीं करेंगे, उस न्याय को आज लड़के लेंगे। यही कहकर के अपनी बात समाप्त करती हूँ। इनकलाब जिंदा।